तारक मेहता की उल्टा चश्मा के फैंस को अब डॉक्टर हाथी के कैरेक्टर की वापसी का है बेसब्री से इंतजार। कवि कुमार आजाद ने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ऐसा किरदार निभाया कि डॉक्टर हाथी को सभी कर रहे हैं मिस। फिलहाल ये इंतजार खत्म हो चुका है और जल्द ही आने वाले हैं एपिसोड में आप देख पाएंगे डॉक्टर हाथी को। जल्दी होगी एंट्री डॉक्टर हाथी के नए किरदार को निभाने वाले एक्टर की तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। मेकर्स कब से इंतजार कर रहे थे एक ऐसा अच्छा समय का जब वो इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है जब शो में डॉक्टर हाथी गणेश चतुर्थी के मौके पर पहुंचेंगे। मीडिया में खबरें हैं कि डॉक्टर हाथी के किरदार को निर्मल सोनी निभा सकते हैं, लेकिन शो के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि शो का जो गणेश चतुर्थी स्पेशल पहला एपिसोड होगा, इसके अंदर ये नया किरदार डॉक्टर हाथी का ही करेगा पूजा। कब से मेकर्स इंतजार कर रहे थे एक ऐसे अच्छे समय का जब वो इस किरदार को इंट्रोड्यूस करेंगे शो में, और आने वाले गणेश चतुर्थी एपिसोड्स में आप देख पाएंगे ये नए डॉक्टर हाथी को तारक मेहता के उल्टा चश्मा के अंदर। और आशा करते हैं पुराने डॉक्टर हाथी की तरह ही इनको भी इतना ही प्यार मिलेगा और ये शो में चार चांद लगा पाएंगे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।